अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि पीपल पर आवर से आप किस तरह से अपनी पेमेंट्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं, या कौन कौन से पेमेंट मेथड्स जो पीपल पर आवर सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूंगा फीस और टैक्सेस के अबाउट के फ्रीलांसर से कितना चार्ज करता है अप पर प्रोजेक्ट पे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको मजीद डिटेल के अंदर देखें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट्स का। सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे कहेगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर दें। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर देता हूँ, लेट्स से APS लिख देता हूँ और सिंपल सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए, मुझे ये सारी पेमेंट्स शो करवा रहा है, स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे देखिए, मेरे पास अभी तक कोई पेमेंट मेथड भी एडिट नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर और आपको ये यहाँ पे ले आएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से आके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सेटिंग्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये पेमेंट्स के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, राइट। पेमेंट का ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखें विड्रॉल अकाउंट्स, इसको जैसे ही एडिट करेंगे और ऐड अ न्यू अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे देखें आप पेपल, पाइनियर, ACH बैंक जिसे वाइज का बैंक भी कहते हैं, या कोई भी और बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर पाइनियर यूज़ करते हैं, तो सिंपल आपने पाइनियर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर करेंसी कोई भी सिलेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पर प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ले जाएगा इस जगह पे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर, और अपना जो पाइनियर अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था कि किस तरह से पाइनियर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो आप लोग अपने प्रोफाइल के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उस पाइनियर को यहाँ पे लॉगिन कर लेना और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अटैच हो जाएगा विदाउट एनी इशू, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो इशू है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोगों के पास जो फ्रीलांसर फीस है पेपल पर आवर कितनी कट डिटक्ट करता है फ्रीलांसर से। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक क्लाइंट के साथ 5,000 pounds तक काम कर चुके हैं और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको 3.5% उस प्रोजेक्ट में से देना पड़ेगा, राइट। इसी तरह अगर आपने किसी प्रोजेक्ट का काम किया और 250 pounds से 5,000 pounds के दरमियान में कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है, या फिर इतना काम आप उसे एक क्लाइंट के साथ कर चुके हैं तो आपको 7.5% देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पर बायर, इट्स नॉट कि आप पूरी प्रोफाइल पे फिर इतना टैक्स देना शुरू कर देंगे, पर बायर की बात हो रही है या उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, अगर आप 250 pounds से नीचे वाला ऑर्डर करते हैं तो 20% आपको क्या करना पड़ेगा, उस पीपल पर आवर को एज अ फी देनी पड़ेगी। मान के चले अगर आपने $100 या 100 pounds का काम किया है तो आपको उसमें से 80 pounds मिलेंगे, 20% जो है वो पीपल पर आवर काट लेगा। तो ये बेसिक सी फीसिस हैं पीपल पर आवर की तरफ से, जिनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मज़ीद। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि पीपल पर आवर कितनी डिडक्शन करता है फ्रीलांसर से। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से पाइनियर अकाउंट जो है वो आपने लिंक करना है अपने पीपल पर आवर के अकाउंट से, राइट। और पीपल पर आवर का, सॉरी, पाइनियर का अकाउंट किस तरह से आपने क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है, सारी चीज़ें लास्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, या कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो, और इसके साथ साथ कमेंट भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। Thank you.